हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक फाइल है stocks.svi। ये SPSS की ट्यूटोरियल फाइल है जो सैंपल के अंदर है। ये सैंपल कहाँ होता है SPSS के अंदर, इसका पाथ ये है: सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, IBM, SPSS, स्टेटिस्टिक्स 24, सैंपल इंग्लिश। ये डिपेंडिंग ऑन विंडो का कौन सा वर्जन है और SPSS का कौन सा वर्जन है, ये आपको यहाँ ढूंढना होता है। पर अल्टीमेटली सी ड्राइव में होते हैं प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल x86, IBM फोल्डर होगा या SPSS इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर ढूंढते हुए सैंपल इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगी। फाइल का नाम है stocks.svi। यहाँ पे मेरे पास तीन हैं, यानी मेरे पास स्टॉक गिवन है, टोटल 251 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें लो और हाई एंड क्लोज के टाइम का मुझे स्टॉक गिवन है। मुझे चेक करना है क्या लो और हाई में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इन तीनों की मीन स्कोर देख लेते हैं कि आ क्या रहे हैं। लो का 251 ऑब्जर्वेशन का मीन स्कोर है 118, हाई का 123 एंड क्लोजिंग का 120। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या तीनों के मीन स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब देखिए, अगर पेयर्ड टी हम यूज करेंगे, पेयर से ही पता लग रहा है, ये दो पे काम करता है, लो हाई पे काम कर सकता है, लो क्लोज पे, हाई क्लोज पे, ऐसे काम करता है। ये अवेलेबल होता है एनालाइज, कंपेयर मीन्स पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। यहाँ आपको पेयर बनाना है। एक चीज ये देखिए, अगर मैं लो दे रहा हूँ तो ये ओके एक्टिवेट नहीं है। ये कह रहा है किसके साथ कंपेयर करें, हाई के साथ। ओके, हाई को क्लोज के साथ करें और आप इवन लो को क्लोज के साथ भी देख सकते हैं, दो दो पेयर्स के अंदर। क्लिक ऑन द ओके। तो इसने बताया कि कितने कितने ऑब्जर्वेशन है, क्या मीन स्कोर है, कोरिलेशन निकाला लो हाई में कितना है। लो हाई का जब हमने देखा टी इज -25 एंड सिग्निफिकेंस लेस देन 0.05। जो डिफरेंस है 5 का हमारा, देख लीजिए ये 118 123, 5 का जो डिफरेंस है 5 पॉइंट समथिंग, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। लो और हाई में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, हाई और क्लोज में भी डिफरेंस है और लो और क्लोज में, यानी पेयर वाइज तो देख सकते हैं तीनों का। लेकिन जब हम लो से हाई और हाई से क्लोज तीनों को एक साथ देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हमारा टाइप वन इंक्रीज हो जाता है, एरर टाइप वन इंक्रीज होता है और इस पर्टिकुलर टेक्निक ये उतनी रोबस्ट नहीं रह पाती। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे दो से ज़्यादा हमारे पास हो और आपको तीनों में डिफरेंस देखना है तो हम यूज़ करते हैं जनरल लीनियर मॉडल रिपीट मेजर। तो इसको एक बार दोबारा देखें, ये मैं एक अलग प्लेलिस्ट में बियॉन्ड अनोवा में डिस्कस कर चुका। ये हमारा वन वे अनकोवा, टू वे अनकोवा, टू वे अनोवा, उनका मेनू है। ये मनोवा मनकोवा का मेनू है और ये थर्ड है रिपीट मेजर। सबसे पहले पूछ रहा है फैक्टर कि इसको हम वहां से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले अब देखिए हमें चेक क्या करना है। मुझे चेक करना है स्टॉक्स के बारे में, तीन है ये, इनके बारे में मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल। ये क्या चीज है, ये चीज है हमारी स्टॉक्स। ओके, स्टॉक्स में कितने चीज हम कितने चेक करना चाह रहे हैं, लाइक कितने लेवल हैं हमारे, बिफोर एंड आफ्टर दो लेवल हो गए, बिफोर एंड आफ्टर, एंड आफ्टर ये हमारे तीन लेवल। मतलब अगर ये यहाँ तीन अलग अलग चीजें, अगर मैं तीनों में चेक करना चाहूँ थ्री। ओके, क्या हमें सिर्फ स्टॉक को चेक करना है या जैसे एक है हाइट तीन बार नोट की गई, वेट तीन बार नोट किया गया, तो वो मेजर्स आ जाएंगे। अभी सिर्फ हमारे पास एक है डिफाइन कि क्या क्या चेक करना है। लो हाई क्लोज तीनों को 1 2 3 राइट हैंड साइड पे डाला और कुछ नहीं, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने से अब ये कुछ हमारे पास आउटपुट आएंगे, काफी सारी चीजें दिख रही हैं, इनको कैसे पढ़ना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।